एक महीने से ज़्यादा वक्त से इंडिया में है। बस एक फरियाद है कि उनके पति को इनको दे दिया जाए, लेकिन पति है कि पहुँच से दूर है, उन्हें बहुत लंबा इंतजार होगा। कब तक जिंदगी भर करूँगी, फिर भी पति का हक लेके ही छोड़ूंगी और बच्चा का हक दिला के ही छोड़ूंगी। ना मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगी, ना मैं पति को छोड़ूंगी, ना एक बच्चा से उसको बाप को छोड़ूंगी, तीनों का हक मैं लेके ही छोड़ूंगी। लेकिन दिक्कत दूसरी है, कई बार आप मिल भी नहीं तिवारी जी की पत्नी किसी भी कीमत पर आपको अपना पति देने के लिए। एक बात बताइए, तिवारी जी का पत्नी कहाँ थी जब 2 साल में शादी कर लिया? तो वो मेरा शादी का 3 साल होने वाला है, 14 अप्रैल में 3 साल हो जाएगी, तब कहाँ थी? 2 साल का संसार में इतना उनका प्यार थी, उसको इतना प्यार करती तिवारी रचना शर्मा को, तो उसको छोड़ के उन्होंने दूसरी शादी कर लिया, बच्चा भी पैदा कर लिया और इतना प्यार से दो साल हमारे साथ थी, कैसे इतना प्यार तब कहाँ थी 2 साल में प्यार? रचना तिवारी को पता नहीं था ना कि उसका पति ये गुल खिला रहा है? अरे उसको पता है, सारा हिंदुस्तान का भी पता लग गया, उनको पता नहीं था? उन्होंने बांग्लादेश में जाके मेरे से मिली है, उसका बच्चा के साथ मेरा फोटो है, मैंने उसको शॉपिंग करा दिया, मिली है, हम दोनों बैठ के, रचना शर्मा मेरे को बोल के आया मैं उसको डिवोर्स दूंगी उस गंजा को। तुम डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हो? आने के बाद भी बोला है मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, डिवोर्स फाइल करके रखा है, 6 महीने लगेगी उसके बाद डिवोर्स हो जाएगी फाइनली, तू रख ले पति को। अच्छा, शादी होने के बाद आपकी और तिवारी जी की तो रचना से आप मिली हैं और उन्होंने कहा कि मैं गंजे को छोड़ दूंगी, डिवोर्स दे दूंगी, वो बोल के ही आया बांग्लादेश से, उसके बाद आके मेरे से गेम खेल रही है, जब मैं आ गया हूँ आप वो गेम खेलते हो, डिवोर्स क्यों नहीं दे रही है? वो बोल के आया था, उसके बाद आने के बाद भी मेरे से बात किया फोन में, बोला है मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया, 6 महीने में डिवोर्स दे दूंगी। तो आपको उस गंजे में क्या दिखता है, क्या है उस तिवारी में? पहले बात तो ये है, देखिए शादी जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, मैंने उनको मान लिया जब उन्होंने उसका धर्म चेंज करके मेरे धर्म में आ गया है, मुस्लिम धर्म को अपनाया, वो भी लीगल तरीके से, जैसे बांग्लादेश कोर्ट जाकर उन्हें एफिडेविट किया है, मस्जिद जाकर उनको तौबा पढ़ाया है, कलमा पढ़ाया है, तो उन्होंने एक क्या है मेरे को एक इमोशन आ गया। कैसे फंस गया आप, इतनी स्मार्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट आपको बता रहे, उम्र का भी बड़ा फासला है, मुझे सच बताओ वो पॉइंट ऑफ द टाइम क्या था जब आप इमोशनल होगी और गंजे को दे बैठे? देखिए वो उन्होंने क्या है, उनको बांग्लादेश में सब लोग अच्छा जानती है, दूसरी बात जो है ना, जब मेरे हस्बैंड ने बहुत इमोशनली मेरे को यह किया है जो मैं धर्म ही चेंज कर दिया, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, देखिए कोई भी धर्म में आपके धर्म में आएगा आपको कैसे लगेगी, अरे मेरे लिए धर्म चेंज कर दे, मैं तो सोचा पोस्ट ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, मतलब चीजें ऊंचाई से देखते हो, तो नहीं देखिए बांग्लादेश में आप जाके जांच करिए, वो बहुत अच्छा नेचर का है और बांग्लादेश का सब लोगों को बहुत प्यार करती है, बहुत एक अच्छा उसका एक वैल्यू है जिसमें आपको कहीं नहीं लगेगी जे ये आदमी ऐसा कर सकती है। जैसे अभी तो मीडिया पे आ चुकी है तो सब लोग मेरे को पूछती रहती है, सारा ऐसा कैसा कर दिया, मैं हूँ आपके साथ, तो आपको गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगी? तो बोल रही है हाँ खिलाऊंगी, फिर मेरे को मीडिया पे आ जाऊंगी, फिर मीडिया वाले ने बोलेगी देखो बीबी को गोलगप्पे खिला रही है। अच्छा। तो ऐसा बात होती है, उसके बाद क्या है, कभी तो लाल साड़ी आ जाती है, काला साड़ी आ जाती है, उसके बाद डिवोर्स भी आ जाती है। लाल साड़ी कौन सा लूंगी आप बताइए? लाल साड़ी, काली साड़ी। हाँ, मेरे को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैंने उनको एक मैसेज किया था जो मेरे को एक ब्लैक कलर का साड़ी खरीद दी, तो यहाँ पर उसके उस मैडम भाई उन्होंने बात करते हैं, क्या कहते हैं, तो काला साड़ी मैंने बोला है काला साड़ी कब खरीदोगी, कहा दूंगी काला साड़ी देंगे, हंस के हंस के बोल दिए, फोन पे कम्युनिकेशन हो रहा है अपनी सोनिया को ब्लैक साड़ी। तो आप ही बताइए ना, तो मैं कौन सा रास्ते पे जाऊँ, कभी तो काला साड़ी आ जाती, कभी तो गोलगप्पे आ जाते, कभी डिवोर्स भी आ जाती, आप किसको सुना रही है, किसको खुद को सुना रही है, ना क्या कर रही है, वो खुद ही जानती नहीं है। ये तिवारी का गेम मुझे समझ में आ रहा, मोहब्बत करे तो सरेआम करे ना, सीना चौड़ा करके करे, आप कैसे करेगी बताइए? उसका जो रचना शर्मा है ना, वो 6 फीट का जाके गला दबा देती है और उसको तो चाटा तो दिन में कितनी बार मारती है सिर्फ तिवारी ही जानती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया, तो जानती है सोनिया घर में क्या होती है, सोना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पिटाई करती है, मतलब रचना बहुत ज़बरदस्ती कर रही है, देख मेरे को एक सेकेंड के लिए छोड़ती ही नहीं है तेरे साथ बात करने के लिए, वास्तव में सच है, क्योंकि सूरजपुर थाने में भी एक दो मतलब ऐसा है ना, जो नया प्यार आ गया है पति के ऊपर, ऐसा कहानी बना के रखा है, मतलब पति तो इंक्रप्ट में ले लिया है, बच्चों के साथ भी खेलने नहीं देती है रचना शर्मा, वो भी एक माँ है, वो ऐसे कैसे कर...